वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशंस इन न्यूज। तो मैप को इफेक्टिवली पढ़ने के लिए और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि करंट में न्यूज़ में रही हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, कई बार पूछा जाता है ज्योग्राफी या फिर अन्य किसी सेक्टर में कि भाई ये जो लोकेशन है वो कहाँ पर है और उस लोकेशन से रिलेटेड जो उसके अन्य एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र में कौन सा अभ्यारण है, कौन सा नेशनल पार्क है, ETC क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ भी है और करंट अफेयर से रिलेटेड करके अगर हम लोकेशंस मैप में देखते हैं तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मैप सिंपली लोकेशंस इन न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये लेसन एक्सप्लेन किया गया मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार सतन। तो हम पहली लोकेशन देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होगा दावोस के बारे में। हम दावोस को देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो यूरोप का मैप आप देख रहे हैं, इस यूरोप के मैप में इस रेड कलर में आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है। स्विट्जरलैंड में तीन पार्ट्स दिखाए गए हैं, ज्यूरिख, जिनेवा और दावोस। हम दावोस की बात इस लेसन में या इस स्लाइड में कर रहे हैं। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस चल रहा था अभी थोड़े दिन पहले। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका सम्मेलन दावोस में चल रहा था। और द फोरम इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एनुअल मीटिंग एट द एंड ऑफ जनवरी इन दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का की एनुअल मीटिंग होती है जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी में दावोस में इसकी मीटिंग होती है। और इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वेरियस एस्पेक्ट पर ये देखे जाते हैं। और इस मीटिंग में लगभग 2500 टॉप बिजनेस लीडर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर्स और अर्थशास्त्री, पत्रकार फॉर अप टू 4 days टू डिस्कस द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड। तो उनके पास लगभग 4 दिन होते हैं जो वर्ल्ड के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत करने के लिए। और अब की बार का जो सम्मेलन हुआ है वो बहुत खास हो जाता है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण या फिर दावोस का उद्घाटन भाषण भारत के प्रधानमंत्री ने दिया था। इसके कारण ये लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है या फिर मैं कहूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है, ठीक है, इंडिया इसका सदस्य है जिसमें कि हमने भाग लिया है अभी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 बातों पर इस फाउंडेशन या इस ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जोर दिया है। पहली बात संरक्षणवाद के मुद्दे पर जो कि अमेरिका जिस नीति को अपना रहा है, और दूसरा आतंकवाद के मुद्दे पर, और तीसरा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। तो सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो संरक्षणवाद का मुद्दा है क्योंकि एक नई टर्म हमारे सामने आई है संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। क्या पॉलिसी होती है प्रोटेक्शनिज्म की? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि जैसे मेरा घर है तो मैं मेरे घर को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं मेरे घर में, मैं अपने घर में ही सारी चीज़ें पैदा करूंगा, अपने घर में ही सब कुछ, मैं मतलब बाहर पर, बाहर की दुनिया से ना तो रिलेशन रखूंगा, बाहर की दुनिया पर ना डिपेंड होऊंगा, तो मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी अपनाऊंगा। जैसे अमेरिका आजकल अपना रहा है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहा है, तो अमेरिका खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी अपना रहा है। तो ये था दावोस। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अगली स्लाइड कासगंज से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि अभी कासगंज में एक कम्युनल वायलेंस हो गया था और जिसमें एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। तो हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से इस घटना को नहीं देखेंगे, हम केवल अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को देखेंगे। और मैंने इसलिए ये स्लाइड में डाला है ताकि कासगंज जो कि हाल में जहाँ पर न्यूज़ में रहा है कासगंज, तो उससे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं न्यूज़ या फिर वो कहाँ स्थित है, वो किस स्थिति पर स्थित है, ETC हम स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये मैप है, इस मैप में आप कासगंज लोकेट कर सकते हैं। ये अलीगढ़ के पास है कासगंज, ओके।
ठीक है। तो अलीगढ़ के पास से कासगंज, ये जो बीच में इसके बिल्कुल सेंटर में लाइन दिख रही है, इस लाइन के बिल्कुल नीचे ही अलीगढ़ के पास कासगंज है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ये अलवर रेवाड़ी से अलीगढ़ कासगंज जो यूपी का मैं कहूँ कि वेस्टर्न पार्ट है, वहीं पर कासगंज स्थित है। और कासगंज एक सिटी है और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कासगंज डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कासगंज एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये एक काली रिवर जो है उसके किनारे पर स्थित है। पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि कासगंज किस नदी के किनारे पर है या निम्न काली नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि काली नदी इंपॉर्टेंट हो गई कासगंज के आते ही। तो ये कासगंज जो है काली नदी के किनारे पर स्थित है और द टाउन इज इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स। ये जो टाउन है ये हिमालयन फुटहिल्स में है। जैसे आप सबको दिख रहा है कि भी सिंपल है, अगर कोई चीज़ यूपी में है तो वो आप आसानी से देख सकते हैं कि वो कहाँ पर होगी, जो फुटहिल्स है हिमालय के वहाँ पर होगी। इट इज़ लोकेटेड इन द दोआब, ये दोआब में स्थित है। दोआब क्या होता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको मैं दोआब कहता हूँ। गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है उसके उनके मध्य स्थित है। आप देख सकते हैं सिंपली मैप में सब कुछ दिख रहा है। और एलुवियल सोइल मेक द लैंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टिलाइज। अब देखो यहाँ पर ये आपको सिंपल पता हो गया कि भाई ये यमुना और गंगा के बीच स्थित है, तो यहाँ की जो लैंड होगी वो बहुत फर्टाइल होगी, ठीक है। उपजाऊ भूमि है यहाँ की और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो भाई सिंपल बात है, पहली बात तो ये कि भाई यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत फर्टाइल है, या फिर फर्टाइल रीजन है, एक प्रकार का मृदा फर्टाइल है यहाँ की। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, सब उपोष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। और विंटर यहाँ की मॉडरेट होती है, टेम्परेचर समटाइम 0 डिग्री भी पहुँच जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हिमालयन एरिया में स्थित है। और समर्स जो होते हैं वो गर्मियाँ बहुत सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं और बहुत गर्म भी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुँचता है। अगली स्लाइड हम डिस्कस कर लेते हैं यमन के बारे में है। जैसा कि आप सबको मालूम है यमन में अभी एक प्रकार का मैं कहूँ कि सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। जो हादी और जो हुती सम कम्युनिटीज हैं वहाँ पर, तो उन दोनों के मध्य सत्ता का संघर्ष चल रहा है, तो इसलिए यमन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यमन के आसपास के हम इलाके देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद ये यमन है और यमन से लगता हुआ ओमान है। इसमें हम देख लेते हैं, ये अरेबियन सी है जहाँ पर इंडिया का जो एक पार्ट, इंडिया का जो सी जिससे कि इंडिया की सीमाएं लगती हैं वो अरेबियन सी यहाँ पर है। गल्फ ऑफ अदन है यमन के पास और रेड सी भी आप लोकेट कर सकते हैं यहाँ में। और एट्रिया, जिबूती या फिर फारस की खाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर जो अदन की खाड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। बाबल मंदीप जलसंधि है यहाँ पर, वो भी आप लोकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से इम्पोर्टेंट हो जाती है यमन का नाम आते ही, ठीक है। तो मेरा जो फोकस है वो यमन पर ना होकर आपको ये स्ट्रीट्स याद करवाना है, या फिर मैं कहूँ कि गल्फ ऑफ अदन याद करवाना है। और स्ट्रीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं कहूँगा कि भाई स्टेट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं कि भाई फला स्टेट किन किन पार्टिकल्स या फिर मैं किन 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 देशों या किन किन भूखंडों के मध्य है, किन किन जलसंधियों के बीच, ये जलसंधि किन किन जलराशियों के बीच है। तो ये जो है आप बाबल मंदेब लोकेट कर सकते हैं, यमन में यमन है यहाँ को लोकेट कर सकते हैं, इनकी खाड़ी शना जो इसकी राजधानी वो लोकेट कर सकते हैं। अगला जो लोकेशन है वो बिलांदूर लेक का है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है क्योंकि अभी ये करंट न्यूज़ में इसलिए रही है बिलांदूर लेक, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिलांदूर जो लेक थी उसमें आग की घटनाएँ हुई, आग लग गई इस लेक में, पानी में आग लग गई थी। रीज़न इसके पीछे क्या रहा कि ये देखो मैप में हम कोई लोकेट कर सकते हैं, सिंपली दिख रही है आपको बिलांदूर लेक कर्नाटक में है और ये बिलांदूर कस्बे में बिलांदूर लेक स्थित है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि ये हाईली पोल्यूटेड विद सीवेज थी, ये जो लेक थी, ये कोई ये जो झील थी ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी थी। और ये दक्षिण पिनाकिनी रिवर ऑल्सो नोन एज द पोन्नियार रिवर, पोन्नियार रिवर जो है उसकी एक मैं कहूँ कि
पोन्नियार, जिसको मैं दक्षिणी पिनाकनी रिवर भी कहता हूँ, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो बिलंदुर लेक में आकर बिलंदुर लेक का निर्माण करती है। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जब यहाँ पर वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी राज करती थी तो बिलंदुर लेक का निर्माण किया गया था। ये तब की लेक है वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। आपको ये नहीं याद रखना है कि भाई इसमें कौन कौन राजा हुए थे, एटीसीडीसी, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। केवल इतना आपको याद रखना है कि बिलंदुर लेक किस राज्य में है और कौन सी नदी इससे मिलती जुलती है, दक्षिण पिनाकनी या फिर पोन्नैयार रिवर जो है वो इससे मिलती जुलती है। तो हुआ ये था कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा सीवेज पैदा होता है, या फिर पैदा नहीं होता, मतलब इसमें डाला जाता है इस लेक में, और तो इसके कारण ये जो इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। तो पोल्यूटेड हो चुका है तो पानी में क्या हुआ कि भाई आग लगने की जैसी घटनाएं हो जाएगी, क्योंकि भाई मीथेन बहुत ज़्यादा हो गया। अभी आपने गाजीपुर में, या आपने गाजीपुर देखा हो दिल्ली में, जहाँ पर कूड़े का पहाड़ है, तो वहाँ पर भी कूड़े का पहाड़ ढह गया था थोड़े दिन पहले, और वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको धुआं दिखता सा दिखेगा। तो वो धुआं क्यों उठता है, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया सीवेज का, और सीवेज के ट्रीटमेंट ना होने के कारण जो मीथेन है वो बाहर निकलती रहती है, ठीक है, और आग लगने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लोकेशन हम ट्रैप करने वाले हैं वो मालदीव है। मालदीव एक रिपब्लिक ऑफ मालदीव एक साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, और लोकेटेड है इंडियन ओशियन में, सिचुएटेड है ये अरेबियन सी में। देखिए ये इंडियन ओशियन है और अरेबियन सी है, और यहाँ पर आप मालदीव को लोकेट कर सकते हैं। इंडिया का आपने जो सदर्न पार्ट है जिसमें तमिलनाडु केरला है, उससे आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर जाइए, सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो आपको मालदीव दिखेगा। मालदीव जो है उसमें ये बहुत एक आइलैंड कंट्री है, और इसमें बहुत सारे अटोल्स पाए जाते हैं। अटोल क्या होते हैं, अटोल एक प्रकार की रिंग शेप संरचना होती है जिसमें कि जो कोरल होते हैं वो रिंग शेप में जमा हो जाते हैं, उनको मैं अटोल कहता हूँ। और मालदीव इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि इनके जो राष्ट्रपति थे पहले के मोहम्मद नसीद, उनको उनके ऊपर जो केस चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रफा दफा कर दिया। तो हाल के जो उनके राष्ट्रपति हैं वो उनको, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने अपनी खुद से बाहर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि भाई जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपनी सत्ता छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रहे, और मोहम्मद नसीद जो पहले, इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर केस लगे जो खारिज कर दिए हैं। तो ऐसा संघर्ष बन चुका है, ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं कि सेना को सत्ता संभालनी पड़ जाए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अटूल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड जो है वो अटोल से बना हुआ है, इसका बहुत सारा पार्ट आप देख सकते हैं, इक्वेटर के नीचे अड्डू अटोल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की, या फिर बहुत सारे अटोल हैं, जैसे इसमें सारे ही अटोल हैं, माले अटोल, फेरिडो अटोल, मलाकू अटोल, होडोडूमठी अटोल, वाडू अटोल, तो ये सब मालदीव के बारे में है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर और किसी सब्जेक्ट में या फिर और किसी टॉपिक पर आप लेसन इसी प्रकार से चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।